हे गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आशर। आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ राखी के इस शुभ अवसर पर काजू पिस्ता रोल बर्फी, और वो भी बिना कुक करे, यानी कि बिना फ्लेम ऑन करे ही इसे हम बनाएंगे। इस रेसिपी को घर पर ट्राई करना बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि जितना आसान है इसे बनाना उतनी ही ये डिलीशियस बनती है। तो चलिए आज की इस इजी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। काजू पिस्ता रोल बनाने के लिए हमें चाहिए काजू, पिस्ता पाउडर, पाउडर चीनी, मिल्क पाउडर, इलायची पाउडर, हरा फूड कलर, देसी घी और दूध। स्टेप वन, मेकिंग पिस्ता डो। एक बोल में डालेंगे पिस्ता का पाउडर, पाउडर चीनी, थोड़ी सी इलायची पाउडर, मिल्क पाउडर, और इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध, हल्का सा फूड कलर। मैं यहाँ जेल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी लिक्विड या ड्राई फ्रूट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। बाकी का बचा हुआ दूध डालकर भी हाथों से अच्छे से इकट्ठा करके डो बना लेंगे। अब थोड़ा सा देसी घी भी इस डो में मिक्स कर लेंगे और इससे अच्छे से स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। परफेक्ट। तो अब इस डो को साइड में रख लेते हैं। स्टेप टू, प्रिपेयरिंग काजू डो। अब एक बोल में डालेंगे काजू को क्रश करके काजू का पाउडर। इसके लिए काजू को मिक्सी में ग्राइंड करना है, पर मिक्सी को लगातार नहीं चलाना है, नहीं तो काजू का ऑयल निकल आएगा और काजू पेस्टी हो जाएंगे। इसलिए बीच बीच में अपने ग्राइंडर जार को ऑन करें, फिर ऑफ करें, और जब ऑन ऑफ करते करते ये पाउडर फॉर्म में आ जाए इस तरह से, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है बर्फी बनाने के लिए। तो अब इस काजू पाउडर को छान लेंगे। और जो ये थोड़े थोड़े टुकड़े या चूरा बचेगा इसे डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, पाउडर चीनी, मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा दूध भी डालेंगे और इसे भी डो की तरह तैयार कर लेंगे। अब इसमें भी थोड़ा सा देसी घी मिक्स करेंगे और एक स्मूथ सा चिकना सा डो तैयार करेंगे। स्टेप थ्री, प्रिपेयरिंग द रोल। अब सरफेस पर क्लिंग रैप या बटर पेपर रखकर उस पर हमारा काजू का डो रखेंगे। थोड़ी सी पाउडर चीनी ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे ताकि डो हाथों में बिल्कुल भी स्टिक ना हो। वैसे इसमें हमने घी डाला था तो ये स्टिक नहीं होगा। अब हाथों से डो को स्क्वायर शेप देते जाएंगे, ऊपर से भी क्लिंग रैप लगाकर इसे बेलन की सहायता से बेलते जाएंगे और स्क्वायर शेप देते हुए पतला शीट तैयार करेंगे। तो अब इस काजू की शीट को हटा देते हैं। अब पिस्ता के डो को हाथों में रोल करेंगे, रोल करते हुए इसे पतले लॉक की शेप देंगे। अब इस लॉक को भी हाफ कर लेंगे। अब हमारी काजू की शीट को हाफ करेंगे।
और इस तरह से पिस्ता के लॉक को काजू शीट में स्मूथली फोल्ड करते जाएंगे। साइड से एक्स्ट्रा निकाल देंगे और स्मूथ रोल तैयार कर लेंगे। सेम वे दूसरा रोल भी तैयार करेंगे। अब इन दोनों रोल्स को इक्वल साइज में कट करेंगे। थोड़े से दूध में मैंने केसर भिगो कर रखा है, तो टूथपिक की हेल्प से केसर को रोल के ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो बस मिनटों में ही हमारी बहुत ही बढ़िया काजू पिस्ता रोल बर्फी तैयार हो गई है। तो इसे इस बार राखी पर आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद करें। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करेंगे और इसके पिक्स मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजेंगे। मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर रहे हैं ताकि आप डेली बिहाइंड द सीन देख सकें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल है उसे भी क्लिक कर दें ताकि आपके पास डेली वीडियोज की अपडेट आती रहे। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।